आप लोग देख रहे हैं टेक्निकलॉजी जिसरो में तेज प्रसाद, आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों नॉइस जो ऑडियो प्रोडक्ट मेकर कंपनी है जिसकी ऑडियो एक्सेसरीज काफी प्रसिद्ध है भारतीय मार्केट में, दोस्तों इसी कंपनी ने अभी पिछले हफ्ते ही भारतीय मार्केट में अपना एक ऑडियो प्रोडक्ट किया था लॉन्च, जो यह एक TWS ईयरबड्स है जिनका नाम कंपनी ने नॉइस ईयरबड्स रखा था। इनकी सफलता के बाद आज कंपनी ने इन्हीं का एक सक्सेसर और पॉकेट रेंज ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को और आज भारतीय मार्केट में कर दिया है लॉन्च, और इनका नाम कंपनी ने X1 Air 2 रखा है। प्लास्टिक मटेरियल से बने हुए हैं, देखने में काफी अच्छे और काफी अट्रैक्टिव हैं, और ये काफी छोटे हैं जिससे कि आप इनको ट्रेवल के टाइम अपने पॉकेट के साथ बड़ी आसानी से कैरी कर पाएंगे। इसके अलावा ये काफी कंफर्टेबल डिजाइन के साथ आते हैं। इनके अलावा यह TWS ईयरबड्स आप लोगों को भारतीय मार्केट में ब्लैक और व्हाइट कलर के साथ फ्लिपकार्ट इंडिया पर परचेस करने के लिए ऑलरेडी उपलब्ध हो चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी नॉइस द्वारा लॉन्च लेटेस्ट ट्रू वायरलेस ईयरबड्स नॉइस X1 Air 2 के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, इनके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़े और सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन X1 Air 2 के सबसे पहले कनेक्टिव फीचर्स के बारे में, तो इनके अंदर कंपनी आप लोगों को ब्लूटूथ 5.0 दे रही है जो आपके एंड्रॉयड, iOS और विंडो जैसे गैजेट्स के साथ कनेक्ट होने वाले हैं। इनकी जो कनेक्टिव रेंज है वो 10 मीटर की होने वाली है। इसके अलावा इनमें आप लोगों को ऑटो पेयरिंग, फास्ट पेयरिंग और मोनोपोर्ट जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब इनके अंदर से आपको काफी स्मूथ और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी देखने को मिलने वाली है। अगर बात करते हैं इनके साउंड क्वालिटी के बारे में, तो इनके अंदर कंपनी आप लोगों को 6mm का डायनेमिक ड्राइवर उपलब्ध करवा रही है, जिसके साथ आप लोगों को बेस की भी सुविधा कंपनी दे रही है, जिससे आप लोगों को एक क्लियर बैलेंस्ड और रियल टाइम साउंड क्वालिटी सुनने को मिलने वाली है। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इनके अंदर आप लोगों को गेमिंग यूजर्स के लिए गेमिंग मोड या लो लेटेंसी जैसा कोई फीचर कंपनी नहीं उपलब्ध करवा रही है। तो यहां पर थोड़ा गेमिंग यूजर्स के लिए काफी निराशाजनक है, लेकिन म्यूजिक लवर्स के लिए काफी अच्छे और काफी बेहतरीन TWS ईयरबड्स होने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो साउंड क्वालिटी है वाकई में काफी बेहतरीन होने वाली है जिस प्राइस सेगमेंट के साथ कंपनी ने इनको भारतीय मार्केट में किया है लॉन्च उस हिसाब से। इसके अलावा अगर बात करते हैं इनके अन्य फीचर्स के बारे में, तो इनके बैक साइड पर कंपनी आप लोगों को एक टच कंट्रोल पैनल उपलब्ध करवा रही है, जिससे आप कॉल को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर पाएंगे, म्यूजिक को कंट्रोल कर पाएंगे, इसके अलावा उसके वॉल्यूम को एडजस्ट कर पाएंगे। इसके साथ इनमें आप लोगों को गूगल और सिरी जैसे वॉइस असिस्टेंट को कमांड देने की भी सुविधा कंपनी उपलब्ध करवा रही है, जो इस प्राइस सेगमेंट के साथ काफी बेहतरीन फीचर है। इसके अलावा इन ट्रू वायरलेस ईयरबड्स के अंदर आप लोगों को इनबिल्ट माइक्रोफोन कंपनी दे रही है जो हाई सेंसिटिव फीचर्स से लैस है। लेकिन यह निराशाजनक है कि इनके अंदर आप लोगों को नॉइस कैंसिलेशन जैसा कोई फीचर नहीं मिल रहा है, मतलब भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में इनका उपयोग करने में आप लोगों को दिक्कत महसूस हो सकती है। पर दोस्तों इन TWS ईयरबड्स के अंदर आप लोगों को वाटर रेजिस्टेंट का फीचर देखने को मिलने वाला है। इनको मिली है रेटिंग IPX5 की, जो आपके धूल मिट्टी और पसीने से इनकी सुरक्षा करने वाला है। अगर बात करें इन ट्रू वायरलेस ईयरबड्स के बैटरी के बारे में, तो इनके अंदर कंपनी कितने एमएच की बैटरी दे रही है इस बारे में ऑफिशियल कोई भी जानकारी कंपनी ने नहीं उपलब्ध करवाया है। लेकिन मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि कंपनी का कहना है कि अगर आप लोग एक बार इन ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को फुल चार्ज कर लेंगे, तो आप लोगों को 5 घंटे का कंटिन्यू बैटरी बैकअप देखने को मिलने वाला है। इनके चार्जिंग केस पर कंपनी आप लोगों को 10 घंटे का बैटरी बैकअप उपलब्ध करवा रही है, मतलब टोटल 15 घंटे का बैटरी बैकअप आप लोगों को इन ट्रू वायरलेस ईयरबड्स के अंदर देखने को मिलने वाला है, जो इस प्राइस सेगमेंट के साथ काफी अच्छा बैटरी बैकअप है। इसके अलावा चार्जिंग के लिए कंपनी इसमें आप लोगों को माइक्रो यूएसबी उपलब्ध करवा रही है। दोस्तों फाइनली अगर बात करते हैं इन X1 Air 2 के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि है ऑलरेडी फ्लिपकार्ट इंडिया और noice.com जो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से परचेस करने के लिए ऑलरेडी उपलब्ध है, और इनकी कीमत कंपनी ने भारतीय मार्केट में ₹1,499 मात्र रखा है। तो दोस्तों जिस प्राइस सेगमेंट के साथ कंपनी ने इनको भारतीय मार्केट में किया लॉन्च, उस हिसाब से ये म्यूजिक लवर्स के लिए काफी बेहतरीन ट्रू वायरलेस ईयरबड्स होने वाले हैं। लेकिन यहां पर एक बात समझने वाले कि इनके अंदर आप लोगों को नॉइस कैंसिलेशन या गेमिंग मोड जैसा फीचर कंपनी नहीं दे रही है, तो गेमिंग यूजर्स के लिए ये किसी मतलब के ट्रू वायरलेस ईयरबड्स नहीं होने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों के मन में क्या है विचार इस नॉइस द्वारा लॉन्च नॉइस X1 Air 2 के बारे में, जो भी विचार कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।